नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यू से न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे एक बिग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हो, एसएससी जीडी का फिजिकल काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, ना ही कोई अपडेट आ रहा था। फाइनली आपका अपडेट निकल के सामने आ चुका है, बॉयज़ और गर्ल्स के जो फिजिकल है अब दोस्तों यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। आइए डेट्स के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल डेट, मेडिकल डेट, सेंटर्स, ग्राउंड, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, सब आज के इस वीडियो में जानने के, जो कि पूरा नोटिस यहाँ पे निकाल दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैम यहाँ पे बात कर लूँ, देख सकते हैं सीआरपीएफ एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे बताई गई है जम्मू की तरफ से। जो आपकी यहाँ पे डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं 23 तारीख से लग के 8 तारीख तक, यानी कि 23 सितंबर से लेके, और यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ में पूरा यहाँ पे फिजिकल चलेगा, फिर उसके बाद नवंबर तक। 23 सितंबर से 8 नवंबर, इतने टाइम पीरियड में आपका फिजिकल चलने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 2 महीने लगभग आपका फिजिकल चलेगा। फिर जब ये इसमें आपका क्या होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, मेडिकल भी हो जाएगा और फिजिकल भी हो जाएगा। ये जो 2 महीने आपके रहेंगे, इसमें आपका सब हो जाएगा, मतलब आपकी फिजिकल भी हो जाएगी, फिर आपकी जो है रनिंग भी हो जाएगी, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है इन्हीं डेट्स के बीच में करवाया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो हालांकि सेंटर अभी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे एक तो है बीएसएफ बदगाम में आपका जो रनिंग है वो आपकी हो सकती है, ये कश्मीर वालों की मैक्सिमम यहाँ पे हो सकती है। फिर बीएसएफ जम्मू में जो आपका पलोड़ा कैंप है वहाँ पे होगी रनिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ बन तलाब वाला ग्राउंड है वहाँ पे हो सकती है, और आईटीबीपी का जो ले वाला जो ग्राउंड है चुगलम सार वाला, वहाँ पे आपकी रनिंग हो सकती है। अब दोस्तों जो जम्मू के कैंडिडेट्स हैं मोस्टली उनकी सीआरपीएफ बाने तला या फिर पलोड़ा में पड़ेगी रनिंग, और जो श्रीनगर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका बीएसएफ बदगाम में, यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं नियर न्यू एयरपोर्ट रोड, ये वाला आपका ग्राउंड रह सकता है। और टोटल इसी तरह देख सकते हैं कि 105 सेंटर जो है रनिंग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिकल के लिए, भी मैंने आपको बता ही दिए सेंटर सेम रहेंगे, मेडिकल भी यही होगा और फिजिकल भी यही होगा जो मैंने आपको सेंटर बताए। फिर उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड आपके इन्हीं तारीख के बीच में आएंगे, यानी कि 21 सितंबर से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आप तक आ जाएंगे, यानी कि 21 से पहले पहले आपके कन्फर्म है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद कंडक्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और री मेडिकल, ये सब 39 डेज़ के अंदर करवाया जाएगा, यानी कि 23 सितंबर से लेके 8, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर के बीच में और 23 सितंबर के बीच में, लगभग अक्टूबर का मंथ भी है बीच में, फिर उसके बाद नवंबर का मंथ भी है, इन दो तीन महीनों में आपका सब कुछ करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कंप्लीट करवा के 10 दिनों के अंदर ये एसएससी को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में ये जो पूरा प्रोसेस है नवंबर के महीने में उनका जो है कंप्लीट करवाया जाएगा और एसएससी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका देख सकते हैं कि 22 नवंबर से लेके 7 दिसंबर, यानी कि नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जो आपका फाइनल होता है फाइनल रिजल्ट जिसमें आपका नाम देखने को मिलता है वो आपका यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी जो जल्द ही पड़ जाएगी, ज्वाइनिंग में भी नेक्स्ट मंथ से 1 महीने से बाद से पड़ जाए। तो इसी तरह यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसंबर तक, 7 दिसंबर 2024 से पहले पहले सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपकी मेडिकल, रनिंग, फिजिकल जो भी आपका रहेगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा। अब जो आपके एडमिट कार्ड है ये 21 सितंबर से पहले यहाँ पे आने वाले हैं, आप अपनी रनिंग को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।